फरी आई होंगे तो छात्रों गीता से परिवार में आज फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों मेरा नाम है वाघेला पायल और आज हमें जिस टॉपिक की चर्चा करनी है वो टॉपिक है विषय हिंदी का व्याकरण विभाग का एक छोटा सा टॉपिक है संज्ञा, जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो छात्रों आगे के क्लास में हमने संज्ञा के कुछ प्रकार के बारे में चर्चा की थी, जैसे कि संज्ञा के कितने प्रकार है, कुल 5 प्रकार है। कौन कौन से मैं यहाँ पर लिखती हूँ। संज्ञा के 5 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो छात्रों आगे की क्लास में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में माहिती प्राप्त की थी, जिसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी परिभाषा मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि किसी विशेष व्यक्ति, देश, प्राणी, नदी या पहाड़ का नाम जिसमें बताया गया हो, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष देश, प्राणी का नाम जिससे सूचित होता हो, उसे हम कौन सी संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा में किसी एक जाति, किसी एक चीज के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन पूरी जाति के बारे में हमें बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कि जिसमें पूरी जाति की जाति का बोध कराता हो, यानी कि होता हो, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपने आगे का जो वीडियो है वो आप देखोगे तो उसमें आपको कोई कुछ प्रश्न नहीं रहेगा। तो अब हम देखते हैं उसके आगे का जो है समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि जाति समूहवाचक संज्ञा, आप आगे का जो वीडियो है वो देखना, जिसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा जिसमें मैंने अच्छी तरह से उदाहरण के साथ उसे समझाया है, तो वीडियो एक बार फिर से देख लेना, अगर नहीं देखा हो तो फिर से देख लेना। तो समूहवाचक संज्ञा, तो हम पहले थोड़े उदाहरण के आधार पर उसकी परिभाषा स्पष्ट करते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि बाजार में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, हमारा दल प्रतियोगिता में जीत गया, हमारा दल प्रतियोगिता में यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा है।
उदाहरण लिखते हैं, कुछ वाक्य लिखते हैं जो समूहवाचक संज्ञा जिसके आधार पर हम सिद्ध करेंगे। तो बाजार में बहुत भीड़ है, तो भीड़ क्या हुआ? भीड़ जो शब्द है यानी कि बाजार है, तो बाजार में कई सारे लोग होंगे, किसी एक दो तीन चार पांच नहीं लेकिन बहुत सारे, तभी तो भीड़ होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि बाजार में बहुत भीड़ है, तो भीड़ शब्द जो है वो हमें क्या दिखाता है? समूह दिखाता है, किसी एक व्यक्ति दो व्यक्ति या फिर दस व्यक्ति के बारे में नहीं कहा लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में हमें सूचित किया है, यानी कि बहुत सारी भीड़ है। बाजार है तो बाजार में बहुत सारे लोग खरीदी करने के लिए आएंगे, तो बहुत सारी भीड़ है। तो यहाँ पर भीड़ शब्द है वो समूहवाचक शब्द हमें दर्शाता है। हमारा दल प्रतियोगिता में जीत गया, तो छात्रों दल यानी हमारी टीम, कोई एक व्यक्ति या फिर दो व्यक्ति की बात नहीं लेकिन पूरी जो टीम है, दस बार खिलाड़ियों की तो होगी ही। तो यहाँ पर लिखा है कि हमारा दल प्रतियोगिता में जीत गया, तो दल यानी कि किसी एक व्यक्ति दो व्यक्ति या फिर तीन व्यक्ति की नहीं, पूरी टीम की बात की गई, यानी कि पूरा जो समूह है, तो किसी प्रतियोगिता होगी कहीं पर, तो दो दल होंगे यानी कि दो टीम होगी, तो दो दो टीम में बहुत सारे लोग, जैसे क्रिकेट आप सब देखते हैं, तो क्रिकेट में एक दल यानी कि टीम, तो एक टीम में आधे खिलाड़ी होंगे और एक टीम में आधे खिलाड़ी होंगे, और दोनों में दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतियोगिता होगी। तो जो भी टीम जीतेगी यानी कि जो भी दल जीतेगा वो क्या है? दल यानी कि समूह, किसी एक व्यक्ति या फिर दो व्यक्ति की बात नहीं की लेकिन पूरी जो टीम है उसकी बात यहाँ पर की गई है कि हमारा दल प्रतियोगिता में जीत गया, कोई एक व्यक्ति जीता नहीं है लेकिन पूरी टीम यहाँ पर जीती है। उसी प्रकार इस उदाहरण में देखो कि यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा है, यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा, तो गुच्छा क्या हुआ? किसी एक चाबी की बात नहीं की, दो चाबी की बात नहीं की लेकिन पूरा जो चाबियों का पूरे घर की जितने भी ताले हैं उन सभी तालों की चाबियां एक गुच्छे में रखी गई है, तो उसे क्या कहा है? गुच्छा। तो किसी एक चाबी या फिर दो चाबियों की बात नहीं की और पूरी बहुत सारी चाबियों की बात यहाँ पर की गई है। तो इन वाक्यों में हमें भीड़, दल और गुच्छा ये रेखांकित करके किसी न किसी समूह के नाम बताए गए हैं, तो इसीलिए इन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर इन वाक्यों में देख सकते हैं, फिर से गौर कीजिए कि बाजार में बहुत भीड़ है, तो भीड़ शब्द जो है वो किसी एक व्यक्ति या फिर दो व्यक्ति की बात नहीं की लेकिन पूरा जो कई सारे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं उसे कहा है भीड़, तो भीड़ शब्द है वो समूह दर्शाता है। उसी प्रकार इस वाक्य में देखिए कि हमारा दल प्रतियोगिता में जीत गया, तो यह जो दल शब्द है, दल शब्द यानी एक व्यक्ति दो व्यक्ति या फिर तीन व्यक्ति की बात नहीं की लेकिन पूरा जो समूह है, पूरी जो टीम है उनके बारे में इस वाक्य में हमें बताया, यानी कि पूरे जो समूह के बारे में हमें इस वाक्य में दिखाया गया है। उसी प्रकार यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा है, तो गुच्छा यानी कि एक चाबी दो चाबी नहीं कहा लेकिन पूरा जो चाबियों का बहुत सारी चाबियों का गुच्छा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों में भीड़, दल और गुच्छा यह वाक्य यह जो शब्द है वो समूह दर्शाते हैं, इसी कारण इसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो छात्रों यह थी समूहवाचक संज्ञा, अब आगे की संज्ञा देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो छात्रों मैंने यहाँ पर जो भी उदाहरण लिखे है वो आप साथ साथ लिखते जाना, क्योंकि अगर कुछ न समझ में आए तो उदाहरण पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। यह जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसमें खाने पीने की चीजें और वस्तुओं और
और धातुओं के बारे में उनका नाम यहाँ पर इस संज्ञा में हमें सूची किया गया है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ उसका नियम, मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोटबुक में लिखते जाना। यह स्वच्छ पानी है, तो छात्रों यह जो पानी है वह क्या है, पीने की चीज है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि यह संज्ञा प्रायः खाने पीने की चीजें, खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं आदि का नाम सूची करता है। और उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, लड़का दूध पीता है, तो छात्रों यहाँ पर जो दूध है वो क्या है, पीने की चीज है। तो यहाँ पर पीने की, तो इसी प्रकार जो स्वच्छ है पानी, तो पानी एक पीने की चीज है, उसी प्रकार दूध जो है वो भी एक खाने पीने की चीज है। उसी प्रकार आगे का उदाहरण देखते हैं कि गेहूं और चावल उत्तम अन्न है। सभी शब्द किसी न किसी द्रव्य
की बात सूची करता है। तो इसके आधार पर हमें पता चलता है कि यह द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। शरबत, लच्छी, दही, मिठाइयां, धातुएं, अनाज, दालें, तेल, दवाएं आदि के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका एक और नियम भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एक और नियम कि शरबत, लस्सी, दही, मिठाइयां, धातुएं, अनाज, दालें, तेल, दवाएं आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं के नाम है। तो छात्रों यह थी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा में कुछ भी प्रश्न नहीं होगा। तो छात्रों जो भाववाचक संज्ञा है उसमें संज्ञा के मन यह संज्ञा जो है भाववाचक संज्ञा उसमें मन के भाव, विचार, इच्छाएं आदि को सूचित किया जाता है। जो मन के अंदर के जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उन्हें इच्छाएं होती हैं आदि को यह संज्ञा में सूचित किया जाता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। गुण, स्थिति या अवस्था को सूचित करने वाले शब्द को भी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो भाव कैसे होते हैं कि हंसी, खुशी, सुख, दुख, प्यार, नफरत, आशा, आश्चर्य, बलिदान आदि। और गुण कैसे होते हैं? वीरता, सच्चाई, मेहनत, हिम्मत, निर्भयता, मिठास, कड़वापन आदि क्या होते हैं? हमारे अंदर के गुण होते हैं। और स्थिति, हम अमीरी, गरीबी, स्वास्थ्य, थकावट, चिंता, बीमारी आदि हमारी स्थिति होती है। और अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि जवान अवस्था हुई। हवा, ठंडी, गर्मी, पढ़ाई, लिखावट, कमाई, रोशनी, महंगाई आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो छात्रों यह भी संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। छात्रों अब आपको संज्ञा का जो संज्ञा की परिभाषा तो आपको याद रह ही गई होगी कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, जाति, गुण या अवस्था को सूचित करने वाले नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो छात्रों यहाँ पर हमारा व्याकरण विभाग का जो छोटा सा टॉपिक था संज्ञा वो यहाँ पर पूर्ण होता है। तो छात्रों अब आप आपका जो स्वाध्याय का चोपड़ा है वो आप बनाते रहना और उसमें मैं जो भी होमवर्क दूँ वो आप लिखते रहना। तो आज का हमारा होमवर्क है कि समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के 10-10 उदाहरण लिखने हैं। 10-10 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो कितने हुए? 10-10 20 हुए। तो 20 उदाहरण आपको लिख कर भेजना है। तो छात्रों आज यहीं तक। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए खूब खूब आभार।